फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मोबाइल डिवाइस से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इवन फ्रेंड्स बहुत सारा नया यूट्यूबर है जो मोबाइल डिवाइस से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उसके पास इतना महंगी जो लैपटॉप होते हैं कि डेस्कटॉप होते हैं वो खरीदने का पैसा नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मोबाइल डिवाइस से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आप आई कैचिंग थंबनेल बनाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना चाहते हैं आपका खुद का मोबाइल डिवाइस यूज करके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसको यूज करके आप बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंथ यू, मैं हूं प्रियंका आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स मेरा अपकमिंग जो वीडियोस है उसको अगर मिस करना नहीं चाहते हैं, मेरा चैनल के साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरा वीडियो का नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहां पे जरूर क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है वहां पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे क्लिक करने से मेरा अपकमिंग जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहेगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आप एकदम नया यूट्यूबर है और आपका पास इतना ज्यादा टेक का नॉलेज नहीं होते हैं, मतलब आप फोटोशॉप या जो जितना सारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो उसके बारे में आपका ज्यादा नॉलेज नहीं है, इवन आपका अगर बजट बहुत ही कम है, मतलब एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने का पैसा नहीं है, आपका मोबाइल डिवाइस से आप आपका जो थंबनेल है मतलब आपका यूट्यूब का जो वीडियो का थंबनेल है उसको आप बनाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो पे जो बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है और उसको यूज करके आप बहुत ही अच्छा और एट्रैक्टिव थंबनेल जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का नाम है PixArt। तो PixArt आप गूगल प्ले स्टोर से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाके भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करके मैं मोबाइल पे जाता हूँ और मोबाइल पे जाके आपको दिखाता हूँ कि PixArt यूज करके आप कैसे बहुत ही अच्छा और एट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मोबाइल पे ऑलरेडी PixArt यहाँ पे इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मैं PixArt को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐड आएगा तो यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपका जो नीचे जो प्लस साइन है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपको टैप करना है और उसके बाद आपका गैलरी से कोई भी इमेज आपका जो इमेज चाहिए उस इमेज को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट करने के पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से एक ऐड आएगा तो इस ऐड को आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे आपको जाना है टूल्स पे, तो टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप करना है आपके इमेज को। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा जो रेशियो है वो 16:9 यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल का जो रेशियो है वाइड स्क्रीन का रेशियो है वो यहाँ पे चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रिसाइज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज हो गया है आपका इमेज और उसके बाद आपको क्या करना है कट आउट पे आपको जाना है क्योंकि जो इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको मेरे को हटाना है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन का आइकॉन है यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपका जो इमेज है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आपका जो बैकग्राउंड है वो हट गया है पूरा और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे फिट पे आपको जाना है। तो फिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड है और इमेज है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी होली चल रहे हैं तो यहाँ पे होली इमेज में बैकग्राउंड इमेज लगाने वाला हूँ और यहाँ पे आप इमेज को ड्रैग करके आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे राइट साइड पे टैप करना है, तो देखिए यहाँ पे इमेज हो गया है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे एक ड्रॉ एक ब्रश है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ड्रॉ पे टैप करना है। तो टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5/5 जो यहाँ पे ऑप्शन है शेप का, तो यहाँ पे शेप पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्वायर है स्क्वायर यहाँ पे लगाने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको फिल पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इमेज पे जाके अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे जो शेप है वो शेप आपका यहाँ पे आ गया है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और पोजीशन सेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सेट कर दिया और उसके बाद सेकेंड जो रेक्टेंगल यहाँ पे लेने वाला हूँ तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, तो रेड कर दिया। उसके बाद ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे शेप मेरा तीनों यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना होगा, तो टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे टैप करता हूँ, तो टैप करने के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, तो ये कैप्स मतलब कैपिटल में लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू मेक, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में टैप करना है आपको और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है एप्लीकेशन और आप यहाँ पे कोई भी आप चीज़ को आप यहाँ पे
मतलब ड्रॉ कर सकते हैं आपका बहुत ही अच्छा। आप यहाँ पे कस्टम थंबनेल बना सकते हैं, आई कैचिंग थंबनेल बना सकते हैं, और यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो फॉन्ट है फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इवन आप यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो कोई भी चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा थंबनेल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, टॉप राइट कॉर्नर पे जो एरो साइन है यहाँ पे आपको टैप करना होगा, तो उसके बाद भी एक ऐड आएगा, यहाँ पे क्लोज कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे गैलरी, यहाँ पे आपको गैलरी पे टैप करना है, और इसके बाद आपका इमेज आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा गैलरी पे ऑलरेडी इमेज सेव हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और फ्रेंड्स पिक्सआर्ट के अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, तो प्लीज उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपका फिर से हाजिर हूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।